गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 लाइव प्रोसेस का। यह क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसमें यह जो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी विद द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर यह जो है ए प्लांट, प्लांट में लीव्स, ग्रीन पार्ट में इसके, अब लीव्स में ये फोटोसिंथेसिस करेगा किसकी उपस्थित में, लाइट की उपस्थित में। और यहाँ पे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया और यहाँ पे बनाएगा क्या, ग्लूकोज बन गया, भोजन बन गया, C6H12O6। तो यह केमिकल है, ग्लूकोज केमिकल है। तो लाइट एनर्जी, यह फोटॉन एनर्जी किसमें बदल गई, केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब यह है कि यहाँ से वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज बना और इसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो यह प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। यह प्रोसेस क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यह फोटॉन जो लाइट एनर्जी है, यह कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी, किसमें बदल गई, केमिकल एनर्जी में। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब यह अपना भोजन खुद बना ले रहा है। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। एक ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो माने सेल्फ, ट्रोफोज मीन्स प्रिपेयर फूड। ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, मिनरल ले लिया, वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, लाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बना लिया, इसीलिए इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब द सेल ऑर्गेनिक वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, आप जानते हैं, यहाँ पर इस लीफ के अंदर में जो मेसोफिल सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, ग्रैना में। और ग्रैना में यहाँ पे क्लोरोफिल एल, इसको ग्रैना कहेंगे। इसी ग्रैना पे ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। और यहाँ इस स्टोमा में, स्टोमा में डार्क रिएक्शन होगा, स्टोमा में डार्क रिएक्शन, ग्रैना में लाइट रिएक्शन होगा। और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं। तो द सेल ऑर्गेनिल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, द सेल ऑर्गेनिल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स इज क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। यह क्लोरोप्लास्ट है आपका, यह क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यह क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें ग्रैना में लाइट रिएक्शन होगा, स्टोमा में डार्क रिएक्शन। और भी एग्जाम के लिए लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन माने जो यह लाइट आ रही है, ट्रैप हो रही ग्रैना में क्लोरोफिल के द्वारा। और इसके बाद स्टोमा में क्या होगा, स्टोमा में ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। तो इस तरह से लाइट और डार्क रिएक्शन के द्वारा फोटोसिंथेसिस संपन्न होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, सेल दैट, यहाँ पर स्ट्रोमा में ये क्या है, डार्क रिएक्शन,
डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। सेल दैट सराउंड स्टोमेटा, अब देखिए पत्ती के सतह पे एपिडर्मल लेयर पे स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा किससे सराउंड होते हैं? अब अगर देखें आप तो स्टोमेटा जो है ये दो गार्ड सेल से मिलके बनते हैं, टू गार्ड सेल फॉर्म स्टोमेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्ड सेल, GUARD गार्ड सेल। अब ये बीन सीड शिफ्ट होते हैं, एक गार्ड सेल यह है, दूसरा गार्ड सेल यह है, यह इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। तो यह आपका गार्ड सेल हो गया और यह न्यूक्लियस हो गया, और इसमें यह जो भाग होता है यह स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा किससे बना? दो गार्ड सेल आपस में मिलकर के ये स्टोमेटा बना लिए। तो द सेल दैट सराउंड स्टोमेटल पोर गार्ड सेल, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। अगला है ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो भी ऑर्गेनिज्म जिसे जो प्रिपेयर कर लेते हैं फूड उनको ऑटोट्रॉफ कहेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे। हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे, अपना भोजन नहीं बना पाते इसलिए उनको क्या कह देंगे? हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे। अब एन एंजाइम सिक्रीटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन। जैसे यहाँ पे स्टमक है, मान लीजिए स्टमक में यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम निकलेगा उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे एंजाइम निकलेगा, वो निकलेगा पेप्सिनोजन के रूप में और पेप्सिन में बदलेगा। तो एंजाइम का नाम है पेप्सिन, लेकिन निकलता किस रूप में है? पेप्सिनोजन और यहाँ यह सीएल निकलेगा। तो पेप्सिनोजन और यह सीएल, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, अब यहाँ पे HCl जब मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव पेप्सिन में बदल जाएगा, और यही एक्टिव पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है स्टमक में। तो पेप्सिन ये एंजाइम है जो स्टमक में रिलीज होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है? ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो बेटा जितने भी प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या लेगा? आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कब होगी? एट डे, एट डे माने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में अब ये क्या करेगा? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कहाँ से? वातावरण से, और क्या निकालेगा? ऑक्सीजन। ये CO2 लेगा और ऑक्सीजन निकालेगा किस प्रक्रिया में? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, लाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। लेकिन इसके अलावा अब यहाँ पे ये वाटर भी लेता है, मिनरल भी लेता है, और लेकर के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में CO2 लेगा, ऑक्सीजन देगा। लेकिन ऐसा ही नहीं खाली फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट में रिस्पिरेशन 24 घंटे होता है। रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस 24 आवर, रिस्पिरेशन अकर्स 24 आवर्स, हमेशा होता है रिस्पिरेशन प्लांट में भी। लेकिन डे टाइम में चूंकि रेट ऑफ रिस्पिरेशन हाई है, बहुत ज़्यादा है रेट ऑफ रिस्पिरेशन,
आई एम सॉरी, डे टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है। डे टाइम में क्या ज़्यादा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ज़्यादा CO2 लिया और ज़्यादा ऑक्सीजन दिया, लेकिन रिस्पिरेशन का रेट स्लो है। तो जितनी ऑक्सीजन बनी थी इसमें, ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी में यूज हो जाती है। लेकिन एट नाइट क्या होता है? एट नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन तो बन नहीं रही है, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? ऑक्सीजन लेगा वातावरण से और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहने का यह है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट CO2 लेगा, ऑक्सीजन देगा और ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेगा, CO2 देगा। तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं रिलीज होती? क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो CO2 ऑलरेडी यहाँ यूज हो रही है। तो जितनी रिस्पिरेशन में CO2 बनी वो यूज हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कई गुना ज़्यादा है रिस्पिरेशन की अपेक्षा। अगर रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस रेट को दोनों को बराबर कर दिया जाए, तब न तो ये बाहर से CO2 लेंगे ना ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि जितनी CO2 वहाँ रिस्पिरेशन में बनेगी उसको ले करके और फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो दोनों बराबर नहीं है। दिन में क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है, तो CO2 बहुत लिया, ऑक्सीजन बहुत दिया, उसी में से कुछ ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं रिस्पिरेशन में, और CO2 जो निकली वो यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात में एट नाइट लाइट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एट नाइट फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर, फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर। फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिस्पिरेशन तो हो रहा है। तो रिस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, तो वातावरण से लेगा और CO2 छोड़ेगा। लेकिन दिन में जो ऑक्सीजन चाहिए रिस्पिरेशन के लिए, तो यही बन रही है, उसमें से ले लेता है और उसके अलावा बाकी बाहर रिलीज करता है, और CO2 जो बनी रिस्पिरेशन में वो यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वो बाहर से ऑक्सीजन लेगा, CO2 देगा। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि नाइट के समय में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन देगा नहीं, बल्कि ऑक्सीजन बाहर से लेगा रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में। और दिन में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ऑलरेडी CO2 लेगा और ऑक्सीजन देगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आप जानते हैं कि ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल कहाँ में है? प्लांट के लीफ में। एक गार्ड सेल यहाँ पे, एक गार्ड सेल है बीन सीड शेप्ड स्ट्रक्चर, एक गार्ड सेल, एक गार्ड सेल में यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसके ऊपर में यहाँ यहाँ पे अंदर में न्यूक्लियस है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स हैं। ये सब्सिडियरी सेल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से ज़रूरत पड़ने पे वाटर लेता है गार्ड सेल, और फिर ज़रूरत पड़ी तो गार्ड सेल से वाटर चला आता है। तो यहाँ पर ये यहाँ भी न्यूक्लियस है, ये भी लिविंग सेल्स हैं। अब जरा देखते हैं ये कौन सी सेल है। यह तो सब्सिडियरी सेल है, सब्सिडियरी सेल, और यह क्या है? यह है गार्ड सेल। गार्ड सेल में यह क्या है? इसका क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रेना है, उसमें क्लोरोफिल है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, और यहाँ इसका ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये इसका स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर है। तो यह स्टोमेटा पूछ रहा है कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे रेगुलेट होती है। तो बच्चों, डे टाइम में जब लाइट उपस्थित है, तो इस
क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा और जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा यहाँ पर खूब ग्लूकोज बनने लगता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ग्लूकोज इज बीइंग सिंथेसाइज इन द गार्ड सेल। और जैसे ही ग्लूकोज यहाँ बनेगा गार्ड सेल का साइटोप्लाज्म एकदम कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगा, अब ये हाइपरटॉनिक हो गया। कैसा हो गया? हाइपरटॉनिक। क्यों हो गया? ड्यू टू ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आ गया? फोटोसिंथेसिस हुआ लाइट की उपस्थिति में, डे टाइम में। और जैसे ही ग्लूकोज यहाँ बना और ये अब यहाँ पे हाइपरटॉनिक हो गया तो अब क्या होगा? वाटर फ्रॉम सब्सिडियरी सेल कम्स इनसाइड। यहाँ से वाटर अंदर आ गया गार्ड सेल के, और जब वाटर अंदर आ जाएगा, ये वाटर अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गार्ड सेल में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? सब्सिडियरी सेल से ये वाटर गार्ड सेल में जाने लगा, तो ये बिल्कुल स्वेलअप हो गया। तो एज द वाटर फ्रॉम सब्सिडियरी सेल इंटर्स इनटू गार्ड सेल स्वेलअप एंड स्टोमेटा ओपन, ये टर्जिड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है डे टाइम में जैसे ही गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोप्लास्ट में शुगर बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और यह साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो गया तो सब्सिडियरी सेल से वाटर गार्ड सेल में आएगा, गार्ड सेल टर्जिड हो गया, स्टोमेटा खुल जाएगा। तो पूरा दिन ये खुला रहेगा क्योंकि शुगर बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन जैसे रात होगा, अब लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बाकी शुगर वहाँ से हट गया और कुछ बचा है तो स्टार्च में बदल गया, तो फिर वो स्टार्च तो क्रिस्टलाइन हो जाता है, पानी में घुलेगा नहीं। तो यहाँ वाटर हल्का हो गया, अब वाटर क्या करेगा? अब फिर वाटर रिवर्स हो जाएगा, फिर कहाँ चला आएगा? सब्सिडियरी सेल में। अब सब्सिडियरी सेल में वाटर आ गया तो फिर गार्ड सेल पिचक जाएगा, और गार्ड सेल पिचक जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो इन द डे टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू ग्लूकोज सिंथेसाइज इन द गार्ड सेल कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, सो वाटर कम्स फ्रॉम सब्सिडियरी सेल इन गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड, स्टोमेटा ओपन। बट एट द नाइट टाइम देर इज नो फोटोसिंथेसिस, देन शुगर गेट कन्वर्ट स्टार्च, एंड नाउ द वाटर द साइटोप्लाज्म बिकम्स डाइल्यूट, सो वाटर कम्स इन टू सब्सिडियरी सेल एंड स्टोमेटा रिमेन क्लोज। तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का होता है गार्ड सेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर यह अगला क्वेश्चन आपका यह है क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? टू ग्रीन प्लांट आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। यहाँ पे सोच लीजिए कि यह ग्रीन प्लांट यहाँ पे मान लीजिए रखे हैं, एक ग्रीन प्लांट यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसमें यहाँ पे ये लीफ, इसकी भी लीफ ऐसे। अब यहाँ पे एक इसको कंटेनर से बंद कर दिया, यहाँ पे इसको भी कंटेनर से बंद कर दिया। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लिखा है ऑक्सीजन फ्री, माने इसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको कहाँ रख दिया? इसको डार्क में रख दिया। इसको कहाँ रखा? डार्क में। और इसे कहाँ रखा? लाइट में। तो अब सोच लीजिए कि यह ए है, ए को कहाँ रखा? डार्क में। और बी को कहाँ रखा? बी को कहाँ रखा? लाइट में। तो लाइट यहाँ आ रही है, लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, इसको लाइट मिल रही है, लेकिन ये तो डार्क में, इसको लाइट नहीं मिल रही है। तो पूछ क्या रहा है कि टू ग्रीन प्लांट केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। इस कंटेनर में ऑक्सीजन नहीं है, इसमें रख दिया गया। वन इन द डार्क, एक को डार्क में और दूसरे को लाइट में। व्हिच वन विल लिव लॉन्ग टुगेदर, लॉन्गर। तो यहाँ जब डार्क में रखे हैं, इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, तो इसमें रिस्पिरेशन नहीं होगा, तो दिस प्लांट कैन नॉट लिव लॉन्गर। तो दिस प्लांट कैन नॉट लिव लॉन्गर, ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ।
और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसको कहाँ रख दिया है, डार्क में। लेकिन इस पौधे को आपने लाइट में रखा है तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन लाइट आएगी तो दिस प्लांट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या करेगा, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन गैस, और फिर उसी ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करने लगेगा क्योंकि लाइट आ रही है तो ये ऑक्सीजन निकालेगा। लाइट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया काफ़ी तेज होगी, ऑक्सीजन खूब बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा तो उसी ऑक्सीजन को लेके जीवित रहेगा। तो जो पौधा लाइट में रखा गया है कैन सर्वाइव, कैन सर्वाइव, यह सर्वाइव करेगा, बी वाला सर्वाइव करेगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन यह जो है और एयर रिस्पिरेशन में यूज कर लेगा उसको, रिस्पिरेशन में यूज करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, ग्रो करेगा। और यहाँ फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। क्यों ये फोटोसिंथेसिस कर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट मिल रही है, यहाँ तो डार्क में रखे हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये वाला सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन ये सर्वाइव करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यदि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, डज इट मीन दैट देर इज नो फोटोसिंथेसिस। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक प्लांट है, यह प्लांट है, प्लांट जो है यह डे में क्लाउडी डे है, एकदम क्लाउडी है, पानी ज़्यादा लाइट नहीं है, और जब ज़्यादा लाइट नहीं होगी तो क्या होगा जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत स्लो होगा या तो नहीं होगा। तो क्लाउडी डे है, एकदम दिन तो है लेकिन क्लाउडी है। तो अब क्या कह रहा है, ई प्लांट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे, डे टाइम में भी अगर यह प्लांट जो है CO2 ले रहा है, क्या ले रहा है, CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, इसका मतलब डज इट मीन फोटोसिंथेसिस नॉट अकरिंग। इसका मतलब ये है कि आइदर फोटोसिंथेसिस इज टू स्लो, आइदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी स्लो ड्यू टू इनसफिशियंट लाइट, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर लाइट, माने प्रॉपर लाइट नहीं है। इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ रिस्पिरेशन ज़्यादा हो गया। रिस्पिरेशन तो 24 घंटा होगा ना, रिस्पिरेशन तो हमेशा होता है, फोटोसिंथेसिस केवल लाइट की उपस्थिति में होता है, लेकिन दिन है तब भी लैक ऑफ लाइट, प्रॉपर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम है। और इट डू नॉट अकर्स, या तो वो हो नहीं रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत कम है या हो नहीं रहा है, लेकिन पौधा ग्रो करने के लिए रिस्पिरेशन तो करेगा और रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में CO2 लेगा, ऑक्सीजन देगा। इन डे ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर लाइट नहीं है, क्योंकि बोल दिया ना कि प्लांट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे, डज इट मीन दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर लाइट फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर, या तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा या फिर बहुत स्लो होगा, फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर। लेकिन रिस्पिरेशन तो 24 घंटे होगा, इसीलिए रिस्पिरेशन करेगा। उत्तर है, इस उत्तर को आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे भी क्वेश्चन पूछते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप लोगों को, और ऐसे ही पढ़ते लिखते रहिए बेटा, और ढेर सारे सवाल आपको मिलेंगे, और यहाँ पे क्लास 10 का और सारा क्वेश्चन आंसर हम देते रहेंगे।
बने रहेंगे लिंक पे और आपको मिलते रहेगा।